बिहार में चर्चा जो है वो ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन लालटेन की हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने लोटस और लालटेन से दूर ऑपरेशन बाहुबली के जरिए बिहार की सियासत में कर दिया उलटफेर। रविवार की रात पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कयामत की रात थी, और उसी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ऑपरेशन बाहुबली की पूरी रिपोर्ट देखिए। शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद, मोकामा की आरजेडी विधायक नीलम देवी और सूर्यगढ़ा के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव, ये तीनों सदन में सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए हैं, और इन तीनों के पाला बदलने से बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया। कल तक चर्चा थी कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक एकजुट नहीं हैं, लेकिन देर रात तक चले सियासी ड्रामे ने सुबह में तस्वीर ही बदल दी। आरजेडी के 79 में से 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष के साथ जा बैठे। हालांकि आरजेडी ने व्हिप जारी कर रखा था, लेकिन इन तीनों विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। अब नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायकों के खिलाफ कैसे अपना ऑपरेशन चलाया उसको जान लीजिए। रात के करीब 10 बजने वाले थे जब पटना में तेजस्वी यादव के घर भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची। ये पुलिस वाले आरजेडी विधायक चेतन आनंद की तलाश में पहुंचे थे, वही चेतन आनंद जो कि तेजस्वी के साथ उनके बंगले में बैठकर गाने सुन रहे थे। इस वीडियो में तेजस्वी यादव बीच में बैठे हैं और दाई तरफ कुर्सी पर चेतन आनंद है। वीडियो कल सुबह से ही वायरल हो रहा था। चेतन आनंद तेजस्वी के साथ कैंपस में क्रिकेट भी खेलते हुए दिखे थे। लेकिन चेतन के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके भाई लापता हैं। पुलिस इसी शिकायत के आधार पर छापेमारी के लिए तेजस्वी के घर दोबारा रात करीब 1:30 बजे के बाद पहुंची और चेतन आनंद को अपने साथ ले गई। सुनना चाहता है देश कि आखिर क्या हुआ कि आप जाकर सत्ता पक्ष के साथ बैठे। हम लोग को ये तो नहीं बताया गया था कि उधर क्या कहते हैं हम लोगों को रखा जाएगा। वहाँ पर जा करके बाद में हम लोगों को बोला गया कि इधर रहना ही है, और उसके बाद जब मेरे परिवार को हुआ कि मिलना है, हाँ, और हमसे जो है मुलाकात नहीं हो पा रही थी। हाँ, पहले एक बार पुलिस आई तो हमने उस टाइम इतना सीरियसली इसको नहीं लिया। हाँ, लेकिन सेकेंड टाइम जब आई तो हमको लगा कि मेरा परिवार मुझसे मिलना चाह रहा है और मुझे मिलने देना दिया जाए, लेकिन उसमें भी डिले किया गया। कल रात को हम 2 बजे 3 बजे अपने परिवार से, तो अगर इतना ही भरोसा नहीं था, है ना, तो वो तो हम लोग को पहले ही थोड़ा सा आशंका हो रहा था कि हम पे भरोसा नहीं है। रात को घर पहुंचने के बाद चेतन की तस्वीर माँ और भाई के साथ सामने आई, और यहीं से पूरा खेल पलट गया। चेतन आनंद वही विधायक हैं जिनका पिछले साल ठाकुर का कुआं वाला विवाद सुर्खियों में आया था, जिसके बाद पार्टी में अंदरूनी कलह की बात सामने आई थी। शिवहर के विधायक चेतन आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन को पिछले ही साल सरकार ने जेल से रिहा किया है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आनंद मोहन अपने लिए शिवहर या वैशाली क्षेत्र से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केस मुकदमा और टिकट के चक्कर में वे सरकार के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि चेतन आनंद सरकार के साथ गए हैं। ऑपरेशन बाहुबली के दूसरे किरदार हैं अनंत सिंह। मोकामा के विधायक रहे अनंत सिंह जेल में हैं, और इनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी की विधायक। नीलम देवी 2 दिनों तक ना तो तेजस्वी से मिली और ना ही आरजेडी की किसी मीटिंग में पहुंची। आज जब तस्वीर सामने आई तो सत्ता पक्ष खेमे में बैठी हुई नजर आई। सुबह ये खबर सामने आई कि नीलम देवी सदन पहुंची है तो सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में बैठी। आरजेडी ने तब सरकार पर जबरन बिठाने का आरोप लगाया।
विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से लोकसभा का चुनाव नीलम देवी लड़ चुकी हैं, तब उन्हें ललन सिंह ने हराया था। इसके बाद नीलम देवी राजद के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ी और जीत भी गई। उनके पति और बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने सरकार से बैर लेना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी अनंत सिंह एक जमाने में नीतीश के करीबी रह चुके हैं। नीलम देवी की इच्छा भी लोकसभा चुनाव लड़ने की है, ऐसे में हो सकता है कि सरकार के समर्थन देने के एवज में उन्हें लोकसभा टिकट देने का भरोसा दिया गया। तीसरे बाहुबली नेता हैं प्रहलाद यादव, जो कि आरजेडी कैंप छोड़कर नीतीश कैंप में शामिल हुए हैं। प्रहलाद यादव लखीसराय जिले की सीट सूर्यगढ़ा के बाहुबली विधायक हैं। अपनी कार गुजारियों के लिए प्रहलाद पहले से चर्चा में रहे हैं। प्रहलाद यादव 5 बार के विधायक हैं। 1995 में पहली बार सूर्यगढ़ा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद वो 4 चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके हैं, हालांकि 2 बार वो हार भी चुके हैं। प्रहलाद यादव की पत्नी लखीसराय से जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। माना जा रहा है कि 5 बार विधानसभा जीतने के बाद भी प्रहलाद यादव मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से लालू परिवार से नाराज थे। हालांकि इनकी इच्छा मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की रही है, और अब इनके पाला बदलने से मुंगेर लोकसभा की राजनीति में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अब इन तीनों के पाला बदलने के बाद पार्टी इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। दल बदल कानून और व्हिप के उल्लंघन का मामला इनके खिलाफ चल सकता है। हालांकि ये फैसला स्पीकर को लेना है, ऐसे में ये मामला लंबा चल सकता है और इनकी सदस्यता भी बची रह जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।